चैनल मीरा गुप्ता इंडियन रेसिपीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम छुआरा इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे। आज छुआरे और इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे। छुआरे और इमली की चटनी किसी भी स्नैक्स, समोसा, कचौड़ी, दही बड़े में इस्तेमाल की जा सकती है। इस खट्टी मीठी चटनी के प्रयोग से स्वाद और भी बढ़ जाता है। इस चटनी का बनाना भी आसान है। इसकी सामग्री इस प्रकार है। सूखे छुआरे 100 ग्राम, इमली बिना बीज की 50 ग्राम, गुड़ 1 कप, चीनी भी ले सकते हैं, भुना जीरा 1 टीस्पून, काला नमक 1/4 टीस्पून, सफ़ेद नमक 1/4 टीस्पून, स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून, सौंठ आधा टीस्पून, भुंजी सौंफ 1 टीस्पून। अब छुआरों को धोकर 7-8 घंटे के लिए पानी में भिगोएंगे। 8 घंटे पानी में भिगोने के बाद इन छुआरों में से गुठली निकाल दी है। 3-4 को इस तरह से बारीक काट लिया है। अब इनको उबालेंगे। इमली को 2-3 बार धो लिया है, इसकी मिट्टी निकल जाए। अब इसको कुकर में डालेंगे। छुआरों को भी डाल देंगे। इसमें 1 कप पानी डालकर उबाल लेंगे। कुकर को बंद करेंगे, 2 सीटी आने तक उबालेंगे। दो सीटी आ चुकी हैं, गैस को बंद कर देंगे। स्टीम निकलने तक पकने देंगे, जब तक गुड़ को घोलेंगे। गुड़ डालेंगे, 1 कप पानी डालेंगे, गुड़ घुलने तक इसे पकाएंगे। गुड़ घुल चुका है, अब इसे ठंडा करेंगे। छुआरे और इमली को उबाला था, ये ठंडे हो चुके हैं। देख लेंगे कि इमली के बीज ना जाएं, अब इन्हें पीसेंगे। अब इसे बारीक पीस लेंगे। बारीक पीस चुका है, अब इसे छानेंगे। पल्प बच जाए इसमें थोड़ा पानी डाल के और पीसेंगे। अब इसे भी छान लेंगे। पल्प छन चुका है, अब इसमें गुड़ का पानी भी डालेंगे। अब इसे पकने के लिए रखेंगे। कटे हुए छुआरों को भी इसी में डाल देंगे। जब तक उबाल आ रहे हैं तब तक सौंफ को कूट लेंगे। इस तरह से दरदरा कूट लेंगे। इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे। उबाल आ चुका है, गैस को कम कर देंगे और 3-4 मिनट इसे पकाएंगे। चटनी पक चुकी है, चटनी को देख लेंगे। इस तरह से पतली हो, इससे ज्यादा गाढ़ी होगी तो ठंडी होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी। अब इसमें मसाला डाल देंगे। काला नमक डालेंगे, सफ़ेद नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। भुजा जीरा डालेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, सॉल्ट पाउडर डालेंगे, सौंफ पीसी डालेंगे। इसको मिक्स करके गैस को बंद कर देंगे। इसे ठंडा होने के बाद बाउल में निकालेंगे। छुआरे और इमली की खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार है। मुझे खरबूजे के बीज से गार्निश करेंगे। छुआरे और इमली की खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार है। इस चटनी को स्नैक्स, समोसे, कस्सा कचौड़ी, आलू पराठे के साथ बनाइए, खिलाइए और खाइए। इस चटनी को कांच के कंटेनर में भरकर फ्रिज में रखें। इसे 3-4 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन
तुरंत मिल सके। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस एंड स्क्रीन में हमारे चैनल के तमाम वीडियोस की प्लेलिस्ट दिखाई गई है। इन वीडियोस को देखकर रेसिपीज बनाने का लाभ उठाएं और अपना अनुभव हमारे चैनल के साथ शेयर करें।